हे गाइस, अब बज रहे हैं शाम के 9 और मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस से और अभी कपड़े चेंज करके खाना खाया है और अब मैं आपको अपने घर के सेकंड मेंबर से मिलवाने जा रहा हूँ। ये मेरा कमरा है जो कि मेरे और मेरे वाइफ के लिए सेपरेट है। मैं आपको थोड़ा सा कमरे का व्यू दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको हमारे घर के सेकंड मेंबर से जो कि छोटा बच्चा है। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक और नाम है इसका भावेश। तो चलिए गाइज, मिलते हैं भावेश से और पूछते हैं भावेश के शौक के बारे में। एक्चुअली क्या है अभी, हाय भावेश, हाय बोलो। हाय गाइज, आई एम भावेश। ओके, क्लास कौन सी में हो बताओ जरा। आई स्टडी इन क्लास 6। ग्रेट। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा इसको पैशन है क्रिकेटर बनने का और जब भी ये सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे सर्च करता है तो इसको बड़े बड़ी चीज़ों को सर्च करने का शौक है, जैसे हाईली एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड और एक्सपेंसिव मोबाइल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट रन इन द क्रिकेट। तो ये हाईएस्ट पे ही जाता है, कोई इसको बताता नहीं बट इसके ब्रेन में वो याद है हाईएस्ट चीज़ें कि कौन कितना एक्सपेंसिव है, किसने कितना ज़्यादा रन बनाए हैं। तो इसको काफ़ी शौक है क्रिकेट खेलने का। कुछ दिन पहले ये मेरे से बोल रहा था कि क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दो बट कोविड की वजह से मैंने करवाया नहीं, लेकिन अभी 1-1.5 महीने से मैंने एक हमारे 4-5 किलोमीटर दूर है क्रिकेट एकेडमी में इसका एडमिशन कराया है और एक दिन छोड़ के एक दिन यानी अल्टरनेट डे ये क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। तो भावेश जरा आप बताइए अपने स्कूल के बारे में, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और क्रिकेट में आप क्या सीख रहे हैं। हेलो गाइस, सो सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है 5:30। गुड 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 गुड। अपने पैशन के बारे में बताओ, क्रिकेट में क्या चल रहा है आजकल। अभी तो क्रिकेट में बॉलिंग ड्रिल सिखा रहे हैं और बैटिंग ड्रिल सिखा रहे हैं। टेक्निक में क्या सिखा रहे हैं, टेक्निक कैसे सिखाते हैं आपके उसमें एकेडमी में, टेक्निक के बारे में बताओ। कवर ड्राइव खेलना सिखाते हैं और स्टैंस बताते हैं कैसे खड़ा होना चाहिए एंड कौन सी बॉल को किस तरफ खेलना है ये भी बताते हैं एंड बॉल कैसे डालते हैं, कहाँ रहना चाहिए हैंड रिलीज करते वक्त और कितनी स्पीड से रिलीज करनी है और गुड लेंथ और ये भी बताते हैं कि कहाँ डालनी होती है मेनली जो बैट्समैन ना खेल पाए एंड जब मैं एकेडमी जाता हूँ उसके बाद तो रनिंग होती है सबसे पहले और स्ट्रेचिंग होती है उसके बाद ही खेलते हैं। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो देखा गाइस, ये मेरा छोटा बच्चा भावेश और क्रिकेट एकेडमी जा रहा है और अपना क्रिकेट खेल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये है मेरे दो अनमोल रतन, इस अनमोल रतन से आप सुबह ही मिल चुके हैं और इससे मैंने आपको मिलवा दिया। अब हम बात करते हैं मेरे क्वालिफिकेशन की। जैसे कि मैंने बताया था ये मेरा सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहला वाला कल मैंने अपलोड किया था वो देख लिया आप, दूसरा वाला ये वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना करियर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में शुरू किया सन 2006 में मैं सिक्योरिटी मार्शल था और उस समय एक सिक्योरिटी कंपनी के रोल पे मैं काम किया था। एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को सिक्योरिटी में इंट्रोड्यूस कराया था और सिक्योरिटी में जॉब करने लगा था। तो वो कंपनी थी मैं जिसमें डिप्लॉयड था उसकी बात बता रहा हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वहाँ का सफ़र जो है इतना कुछ सीखने को मिला मेरे को वहाँ पर। एक्चुअली मेरे जो बॉस मिले वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में गया था तो मैं एक तरीके से कोरा कागज़ था, मेरे को कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था। क्या नहीं आता था? सी क्या नहीं आता था? सी नहीं आता था। तो वहाँ पर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में मैं था और ट्रांसपोर्ट में कम से कम 300 से 400 जो है व्हीकल्स थी जो एम्प्लॉइज़ को पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए यूज़ होती थी। तो वहाँ पर डेली MIS बनती थी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कितनी गाड़ियों का अप डाउन हुआ है
और वहाँ पर कितने एम्प्लॉय आए हैं, कौन कौन सी गाड़ी नंबर गए हैं, इस तरीके से वहाँ पे काम होता था। तो मेरे अंडर में वहाँ पे यानी कि मेरे साथ में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते थे, जिनका काम था डाटा एंट्री करना और MIS बनाना। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता था कि लड़के छुट्टी जब कर जाते थे तो प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता था कि आपके बंदे हैं, आपको काम कैसे भी कराओ, चाहे कहीं से भी लेके आओ, लेकिन नया बंदा लाना चैलेंज होता था। क्या होता था चैलेंज तो कैसे काम होता, इसलिए मैं खुद वहाँ पे काम करता था, खुद मैं कंप्यूटर में लगा रहता था एंट्री करने में 8-8 घंटे में एंट्री करता था वहाँ पे। इस वजह से कुछ एक महीनों बाद यानी कि लगभग 8 महीने बाद मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि साइड में मेरी धर्मपत्नी जी फ़ोन पे बात कर रही हैं और मेरे को डिस्टरबेंस आ रहा है, उनको उनको बता रहने के लिए बता रहा हूँ कि बाहर जाके बात करो, अभी जो है ब्लॉग बन रहा है। तो अभी दोबारा से वापस आता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर 8 महीने तक मैंने खूब मेहनत करी, खूब एंट्री करता था, 8-8 घंटे में एंट्री करता था। एक्चुअली में मेरा काम वो नहीं था, मेरा काम था पूरे टीम को मैनेज करना, बट फेलियर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है शुरू से ही, कि कोई मुझ पर उंगली उठा दे कि आपको ये काम नहीं आता। इस वजह से फ्रेंड्स मैं एंट्री करता था, फिर वहाँ पे डेली की MIS बनती थी, MIS बनाने लगा धीरे धीरे, पूछ के अपने साथियों से जो दूसरी कंपनी के थे उनसे पूछ के ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। तो एक्सेल में मैं काफ़ी अच्छा डाटा एनालिसिस करने लगा उस समय पे। वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लगभग 5 साल 5.5 साल काम किया। अब उस टाइम मेरी क्वालिफिकेशन थी 12th क्लास। अब अगर मुझसे मुझे उससे आगे उस पोजीशन से आगे बढ़ना था तो क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। कितनी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कितनी ग्रेजुएशन 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 थी नहीं मेरी। तो दोस्तों 2006 से फिर मैं 2007 में आया, एक साल में मुझे महसूस हो गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता 12th के बेस पे। उसके बाद दोस्तों 2007 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे और 2010 में अपनी ग्रेजुएशन को क्लियर किया। उसके बाद माय फ्रेंड्स गाइस 2011 में उस ग्रेजुएशन के बेस पे और मेरे स्किल्स के बेस पे मेरा एक MNC कंपनी में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन हुआ कंपनी पे रोल पे। तो उसके बाद से फिर मेरी ग्रोथ शुरू हुई और आज मैं सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और एक MNC में डिप्लॉयड हूँ और वहाँ पे एक बहुत बड़ी साइट देख रहा हूँ जहाँ पे लगभग 150 के आसपास की मैन पावर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा ब्रीफ। और देखिए ये मैं मोटिवेशन की बात बता रहा हूँ आपको, सन 2001 में मेरी शादी हो गई थी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। उसके बाद 2007 में ग्रेजुएशन को स्टार्ट करना यानी कि शादी के 7 साल बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट करना और पढ़ के लिख के दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से ग्रेजुएशन पास करना मेरे लिए एक अचीवमेंट था। तो ये है मेरा क्वालिफिकेशन और मेरा प्रोफेशनल कैरियर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय।